नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल SSC स्टडी पॉइंट में एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी पुलिस 41,520 जो रिक्त पद रह गए थे, जो सेकंड लिस्ट आने की बात चल रही थी। अभी 20 अक्टूबर 2019 को जो है हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी करा था जिनमें 2889 रिक्त पद भरे जाने की बात कही थी, लेकिन आज एक नया नोटिस आया है। कम नंबर वालों के लिए हाई कोर्ट ने जो है दीपावली का खास तोहफा दिया है। सेकेंड लिस्ट आने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। तो क्या है सारी न्यूज़, मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिटेल में। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बगल में ही नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले, इससे हमारे आने वाले हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए न्यूज़ की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, यह है आज की न्यूज़, कांस्टेबल भर्ती के रिक्त पदों पर जवाब तलब। कुछ कैंडिडेट कहेंगे कि ये फेक है या वो है, तो मैं इससे पहले आपको दूसरी न्यूज़ दिखा रहा हूँ। दूसरी न्यूज़ जो कि 20 अक्टूबर 2019 को हाई कोर्ट के द्वारा जारी की, तो दोस्तों वो न्यूज़ जो 20 अक्टूबर को जारी की गई थी वो ये वाली है। यहाँ आप देख सकते हैं कांस्टेबल भर्ती के रिक्त पदों को भरने का निर्देश, और आज की जो यहाँ आप देख सकते हैं 20 अक्टूबर का है, और आज की न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आज की न्यूज़ ये रही, कांस्टेबल भर्ती के रिक्त पदों पर जवाब तलब। प्रयागराज हाई कोर्ट ने 41,520 पुलिस कर्मियों की भर्ती में रिक्त रह गए 5,694, ये दोनों के आपके सिविल और पीएससी दोनों के रिक्त पद दे दिए गए हैं आज। लेकिन जो 20 अक्टूबर को नोटिस जारी हुआ था उसमें सिर्फ सिविल वालों के 2889 पद दिए गए थे, लेकिन आज 5,694 पद दिए गए हैं। अभ्यर्थियों के भरने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि हलफनामा दाखिल कर हर श्रेणी में खाली पद की जानकारी दी जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी ने लखविंदर सिंह और 137 अन्य याचिका पर दिया है। कोर्ट ने इस याचिका को अजय प्रकाश मिश्र और 2216 अन्य की विचाराधीन याचिका के संबंध में सुनवाई हेतु पेश करने का आदेश दिया है। याचिकाओं का कहना है कि 23,520 पद पुलिस कांस्टेबल और 18,000 पद पीएससी के 2018 में विज्ञापित हुए। लिखित परीक्षा के बाद सरकार ने भर्ती रद्द कर पुनः परीक्षा ली, जो कि आपकी एक बार जो है 19 जून की जो सेकंड शिफ्ट के जो एग्ज़ाम रद्द हुए थे, तो उसकी बात है। ये जो एग्ज़ाम आपका रद्द, भर्ती रद्द होने की परीक्षा वाली जो बात हो रही है, 19 जून का जो सेकंड शिफ्ट के जो कैंसिल हुए थे 19-20 जून में, जिसमें याचिका सफल घोषित हुए। दस्तावेज सत्यापन के बाद पुनरीक्षित परिणाम घोषित हुआ। दूसरी मेरिट में लिस्ट में भी याचिका सफल घोषित हुए। 23,520 में से 20,349 को प्रशिक्षण पर भेजा गया है। पद खाली होने के बावजूद याचिकाओं को प्रशिक्षण पर नहीं भेजा जा रहा है। तो ये थी दोस्तों आज की आपकी न्यूज़। आपके सेकंड लिस्ट जो है ज़रूर 101% आनी है। काम काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है। कम नंबर वालों के लिए दीपावली का खास तोहफा कोर्ट देने वाला है। आपकी लिस्ट जल्दी आएगी। ऐसे ही न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।